उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड में 6,000 रुपए के स्टैंप पर रजिस्ट्री करने की सुविधा दे दी है। शुरुआती दौर में ये लाभ 6 महीने के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। अभी तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से रुपए खर्च करने पड़ते थे, जिसमें अगर कोई 50 लाख की संपत्ति है तो उसके लिए कम से कम 4,20,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब मात्र 6,000 में ये काम हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि इस गिफ्ट डीड के दायरे में पारिवारिक सदस्यों में कौन कौन लोग हो सकते हैं। सरकार ने इस कैटेगरी के मुताबिक परिवार के अंदर माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रवधू, पुत्री दामाद, सगा भाई सगी बहन, पुत्र पुत्री का बेटा बेटी, ये सभी लोग आएंगे। योगी सरकार ने यूपी के परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। छूट का लाभ स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। आपको बता दें, राज्य सरकार को इस प्रकार की रजिस्ट्रियों पर सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होने का भी अनुमान है। देश के प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में पारिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्तियों के दान विलेखों पर स्टैंप शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है।